हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस तो ये कंजम्पशन की थ्योरीज हैं तो चलिए इनको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इससे पिछली जो थ्योरीज जो थी वो मैंने करवाई थी एब्सोलूट इनकम हाइपोथेसिस उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वॉज प्रोपाउंडेड बाय जे एस टूसन पेरी विच ले स्ट्रेस ऑन रिलेटिव इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल रैदर दैन एब्सुलूट इनकम एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन बेसिकली रिलेटिव इनकम हाइपोथिस ये कहता है कि इंडिविजुअल की जो कंजम्पशन है एक इंसान की जो कंजम्पशन है वो एब्सोलूट इनकम पर डिपेंड नहीं करती एब्सुलूट इनकम पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती जो जो कॉन कहती थी ये एबसोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी कहती थी ये थ्योरी कहती है कि एक इंसान की कंजम्पशन उसकी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है रिलेटिव इनकम मतलब जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज के रिलेशन में देखी जाए तो उसकी इनकम की स्टैंडर्ड uh, क्या है उसकी औकात क्या है या उसके पड़ोसियों की इनकम के हिसाब से उसकी रिलेटिव इनकम क्या है उसके हिसाब से कंजम्पशन करेगा वो तो इसको और ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डूशन बेरी कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन हिज़ इनकम रिलेटेड टू अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी और वी कैन से दैट कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन हिज़ रिलेटिव पोजिशन इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी तो डूसन बेरी कहते थे कि जो इंडिविजुअल है उसकी जो कन्म्पन है वो उसकी पोजिशन क्या है उसकी इनकम कितनी है एज कम्पेयर्ड विद द अदर इंडिविजुअल्स उसके ऊपर डिपेंड करती है ठीक है या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में उसका कहाँ पर स्टैंड है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना कंज्यूम करेगा ठीक है uh, according to relative income hypothesis, if income of all individuals in the society increase in the same percentage, then his relative income remains same. दाओ हिज एप्सोलूट इनकम हैव इंक्रीज अब फर्ज करो मैं हूँ और मेरा पड़ोसी है ठीक है मेरी पचास हजार तनख्वाह है पड़ोसी की एक लाख तनख्वाह है हम दोनों की तनख्वाहें सेम परसेंटेज से बढ़ गई मेरी भी डबल होगी मेरी एक लाख होगी उनकी दो लाख होगी तो मेरी रिलेटिव औकात तो उतनी ही रही ना जितनी पहले थी समझ गई बात चाहे मेरी एब्सोलूट इनकम पचास हजार से एक लाख होगी मगर मेरी औकात एज़ कंपेयर टू पड़ोसी तो उतनी है ना कि अभी भी उससे आती है ना बिकॉज हिज रेलेटिव इनकम हैज़ रिमेन द सेम क्योंकि मेरी जो रेलेटिव हैसियत है, है वो तो सेम ही रही ना क्योंकि अगर मेरी डबल होगी उसकी भी तो तनखा डबल होगी एन इंडिविजुअल विल स्पेंड सेम प्रपोर्शन ऑफ हिज़ इनकम ऑन कन्जम्पन एज ही वॉज डूइंग बिफोर तो मैं जितना परसेंट पहले खर्च कर रहा था अपनी तनखा का उतना परसेंट ही अभी भी खर्च करूँगा अगर सबकी सेम परसेंटेज से तनख्वाह बढ़ गई पूरी इकोनॉमी में तो सबकी जो कन्जम्पन है वो भी उतने के उतने परसेंट ही रहेगी समझ गई बात ऑल दो टर्म्स में तो क्या पता वो कन्जशन बढ़ा ले, मगर अपनी तनख्वाह का उतना परसेंट ही खर्च करेगा जितना पहले कर रहा था हैंस जो भी आप अपनी तनख्वाह का कुछ परसेंटेज खर्च करते हो उसे ए पी सी कहते हैं ना हैंस ए पी सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट डिस्पाइट इंक्रीज इन द एब्सलूट लेवल ऑफ इनकम अगर एप्सोलूट लेवल ऑफ इनकम डबल डबल भी होगी सबकी फिर भी ए पी सी कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब आप अपनी तनख्वाह का सेम परसेंटेज खर्च करोगे जो पहले करते थे अब इसमें कुछ एम्पेरिकल स्टडीज हुई हैं एम्पेरिकल स्टडीज बेस्ड ऑन द टाइम सीरीज डाटा मेड बाय कुनेट्स रिवील दैट ए पी सी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो कोजनेट्स ने जो स्टडी की है वो ये बताती है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ए जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिटीज़ का सेम रहता है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तो जिस तरीके से <coughs> बोल बोल के गला बैठ गया जिस तरीके से आपको मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है आपने भी पेपर में उसी तरीके से अटैम्प्ट करना है एक्सप्लेनेशन में आ जाता है रिलेटिव इनकम हाइपोथिस सजेस्ट दैट इन लॉन्ग रन कम्युनिटी वुड कंटिन्यू टू कंज्यूम द सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम एज इनकम इनक्रीजेज तो जब भी इनकम बढ़ेगी तो लॉन्ग रन में जितना परसेंट आप पहले खर्च कर रहे थे अभी भी उतना परसेंट ही खर्च करोगे हेंस एज्यूमिंग रेलेटिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम विद द ग्रोथ ऑफ इनकम ऑफ द सोसाइटी ए पी सी रिमेन्स सेम क्योंकि लॉन्ग रन में अगर प्रपोर्शन ऑफ इनकम और कंजम्पशन की जो परसेंटेज वो सेम रही तो ओवरऑल जो ए पी सी है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी अब इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ये वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस मतलब इनकम इज इक्ल टू कंजम्पन प्लस सेविंग ये जो है सी एल ये लॉन्ग रन कन्जम्शन कव है ये शॉर्ट रन कंजम्प्शन कव वन शॉर्ट रन कंजम्प्शन कव टू अब ध्यान से समझना ठीक है मान लो मेरी इनकम है ओ वाई ठीक है और मैं कितनी कंजम्पशन करता हूँ ए वाई समझ के बाद मेरी इनकम यहाँ से बढ़ के ओ वाई वन चलेगी मेरी इनकम इतनी बढ़ गई तो मेरी जो कंजम्पशन बढ़ेगी वो इतनी नहीं बढ़ेगी तो मैं इस कर्व पे ट्रैवल नहीं करूँगा मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी ए टू वाई वन तो कहने की बात ये है कि मेरी जो कंजम्पशन है वो इतने से नहीं बढ़ेगी बल्कि इतने से बढ़ जाएगी समझ रहे हो ना बात तो ये थ्योरी हमें ये कहती है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से हम लॉन्ग रन कंजम्पशन कर पे ट्रैवल करके जाते हैं ना कि शॉर्ट रन कंजम्पशन कर पे ट्रैवल नहीं करते हम इनकम के बढ़ने से लॉन्ग रन के जो है कंजम्पशन फंक्शन उसमें ट्रैवल करते हैं आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी ठीक है पॉज कर करके साथ के साथ आप नोट कर सकते हैं ठीक है अब मैं इसको डायग्राम को हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द इंक्रीज इन द इनकम फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन जैसा मैंने कहा था ओ OY वाई से ओ वाई वन तक अगर हमारी इनकम ओ OY वाई से ओ वाई वन तक इनकम बढ़ी इट्स कन्म्पन ऑल्सो इंक्रीजेज नॉट अप टू ए वन वाई वन कन्जम्पन सिर्फ इतनी सी नहीं बढ़ी ठीक है बट इट इंक्रीजेज टू ए टू वाई वन कन्म्पन इतनी ज़्यादा बढ़ गई समझ रहे हो ना बात कंजम्प्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई दिस मीन्स डैट द कन्म्पन एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली हैज़ राइजन इन द सेम प्रपोर्शन एज इट्स इनकम इंक्रीज हैंस ए पी सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो लॉन्ग टर्म में ए पी सी कॉन्स्टेंट रहता है जब भी आपकी इनकम बढ़ती है समझिए so, बात हैंस विद द इनक्रीज इन इनकम कंजम्पन फंक्शन विल शिफ्ट अपवर्ड सो दैट ए पी सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो होगा क्या शॉर्ट पीरियड में अगर यही तनख्वाह रहती रहती है तो ये जो कंजम्पशन कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा सी से सी वन पे शिफ्ट कर जाएगा समझ की बात इतनी ऊपर शिफ्ट कर जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म की इसकी रहे क्योंकि आपको पता लॉन्ग टर्म में इनकम बढ़ती है तो एपीसी कॉन्स्टेंट रहती है नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है सिंपल वर्ड्स में डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के अमीरों को कॉपी करने की कोशिश करते हो या फिर आप अपने से हाई फाई लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हो जैसे मैं वही ब्रांड्स खाना पसंद करूंगा जो शाहरुख खान या सलमान खान पहनता है या विराट कोहली पहनता है ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स में तो इसको बुरा माना जाता है मगर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इस थ्योरी के हिसाब से ये कहता है कि लोग अपने से अमीरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं इस वजह से उनकी जो कन्जम्पन और इनकम का रिलेशन है वो हमेशा खराब रहता है कैसे अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो आप अपनी गिवन इनकम को सारा का सारा पैसा उड़ा दोगे क्योंकि आप तो अपने से हायर लेवल के लोगों को मीट करना चाहते हो ना समझ के बात इफ़ वी गो बाय रिलेटिव इनकम इट सजेस्ट दैट individual or households. ट्राई टू कॉपी द कन्म्पन स्टैंडर्ड या कन्जम्पन लेवल ऑफ देर रिच नेबर विच इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफैक्ट तो इंसान हमेशा अपने रिच अमीर नेबर्स को कॉपी करने की कोशिश करता रहता है और उसी को ही कॉपी करने के चक्कर में अपनी सारी इनकम उड़ा देता है और इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है देर आर टू इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इफैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफैक्ट के दो इम्प्लीकेशन है फर्स्टली ए पी सी डज नॉट फॉल ए पी सी तो कभी गिरेगा ही नहीं ए पी सी होता है आपकी तनखा का कितना परसेंट आप कंज्यूम करते हो अगर आपने किसी को कॉपी करना शुरू कर दिया किसी अमीर को कॉपी करना शुरू कर दिया तो वो तो सारा ब्रांडेड सामान खरीदता है तो आपको भी खरीदना पड़ेगा तो आपकी तनख्वाह का तो ज्यादा हिस्सा खर्च हो जाएगा बिकॉज इफ द इनकम ऑफ ऑल इंक्रीजेज इन द सेम रेशो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव इनकम विल रिमेन सेम इसमें वही बात कर दी कि अगर सबकी इनकम बढ़ गई तो आपकी भी इनकम बढ़ बढ़गी सबकी डबल होगी तो आपकी भी डबल होगी सबकी दस दस परसेंट गई तो आपकी भी बढ़ गई तो जब सबकी बढ़ेगी बढ़े तो लॉन्ग रन में ए पी सी कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है दूसरा रीजन ये दिया हुआ है अ फैमिली विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम वो डिवोट मोर ऑफ हिज इनकम टू कंजम्पशन इफ इट इज़ लिविंग इन अ कम्युनिटी इन विच दैट इनकम इज रिगार्डेड एज लो मतलब अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर आपकी इनकम लो कंसिडर की जाती है तो आपको सोसाइटी के बीच में रह के तो वो सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है क्योंकि आपको तो दिखाना है कि भाई हम भी इसके फुकरी मारनी है आपको टॉर मारनी है जिसको पंजाबी में टॉर मारना कहते हैं और हिंदी में फुकरी मारना कहते हैं ठीक है तो शो ऑफ करना भी कह देते हैं इंग्लिश में अगर आपने शो ऑफ करना है तो आप अगर ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपकी इनकम लो कंसीडर की जाती है तो आपको वो सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और अपना स्टैंडर्ड थोड़ा दिखाना पड़ेगा इस चक्कर में आपकी ए कभी गिरेगी नहीं ठीक है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डज नॉट इफेक्ट द पीपल विद हाई इनकम जो अमीर लोग होते हैं उनको डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कभी ऐसे नहीं डालता आपने देखा है अमीर लोग होते हैं छोटे छोटे से फ़ोन रखे होंगे कुर्ते पजामे पहन के घूम रहे होंगे कोई दिखावा नहीं कोई कुछ नहीं कई लोग नए नए अमीर बने होते हैं वो ब्रांडेड गाड़ियाँ ले लेते हैं मगर कई लोग जो पुश्तैनी अमीर होते हैं वो खुले ढुल्ले कपड़े पहन के घूमते हैं अपना कंफर्ट देखते हैं और शो ऑफ पे बिलीव नहीं करते तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रैचट इफेक्ट रैचट इफेक्ट क्या कहता है सिंपल है बहुत ज़्यादा चलिए शुरू करते हैं एन सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ डूसन बेरी रिलेटिव इनकम हाइपोथिस इज दैट इट सजेस्ट दैट वैन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड फॉल जब इनकम गिरी देयर कन्म्पन एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉल मच सिंपल वर्ड्स में ये कह रहे थे कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कंजम्पशन तो बहुत बढ़ा लेते हो ठीक है ना ये कहते थे जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन लॉन्ग रन के हिसाब से बढ़ा लेते हो ताकि आपका जो परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन जो इनकम का जितना परसेंट आप खाते हो उतना सेम रहे मगर रैचेड इफेक्ट कहता है कि जब भी आपकी इनकम गिरती है तो आप कंजम्पशन लॉन्ग रन से नहीं गिराते आप कंजम्पशन शॉर्ट रन से गिराते हो और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है वो मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा इस चीज़ को हम कहते हैं रैचेड इफेक्ट रैचेड इफेक्ट का मतलब है जब इनकम बढ़ी तो हमने तो लॉन्ग रन से कंजम्पशन काफ़ी बढ़ा ली मगर जब इनकम गिरी तो हमने इतनी ज़्यादा नहीं गिराई इनकम क्यों बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट पीपल ट्राई टू मेन्टेन देर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को जो प्रीवियस पीक इनकम है उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंज्यूम करने की या मैंटेन करने की कोशिश करते हैं दे ऑल्सो दिस इज ऑल्सो पार्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट पीपल बिकम अकस्टम्ड मतलब उनको हैबिट पड़ जाती है टू देयर प्रीवियस हाई लेवल ऑफ कंजम्पन एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिड्यूस देयर कन्जम्प्शन वैन देयर इनकम हैज़ फॉलन उनको पुरानी चीज़ों की कंजम्पन की, की आदत पड़ जाती है तो जब भी इनकम गिरती है उनकी कंजम्पशन इतनी नहीं गिर पाती जितनी थी ठीक है नेक्स्ट दे मेंटेन देयर अर्लियर कंजम्पशन लेवल बाय रिड्यूसिंग देयर सेविंग्स तो वो अपनी सेविंग्स रिड्यूस करनी शुरू करेंगे या फिर सेविंग्स अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो कर्जा लेना शुरू कर देंगे कुछ भी करेंगे मगर जो इनकम के गिरने से कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं गिरा पाएंगे ये थ्योरी कहती है ठीक है अब ध्यान से समझना मान लो इनकम है ओ वाई वन ठीक है इनकम है ओ वाई वन अगर आपकी इनकम गिरी मान लो आपकी इनकम गिरी तो ये बेसिकली आपकी जो कंजम्पशन है वो लॉन्ग रन के हिसाब से नहीं गिरेगी लॉन्ग रन कहती है कि भाई अगर आपकी इनकम गिरी है तो आपको अपनी लॉन्ग रन के हिसाब से सी ओ वाई ओ कंज्यूम करनी चाहिए कितनी करनी चाहिए सी ओ वाई ओ ठीक है मगर ये थ्योरी कहती है कि आप इतनी कंजम्पशन गिराओगे ज्यादा नहीं गिराओगे समझिए बात आपने जो कंजम्पशन गिरानी है वो सिर्फ इतनी सी गिरेगी इतनी ज्यादा कंजम्पशन आपकी नहीं गिरेगी तो कहने की बात यह कि आप अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हो आपकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं गिर पाती कहने की बात यह है कि आप यहाँ से ट्रैवल करोगे ठीक है आप यहाँ से ट्रेवल नहीं करोगे समझ गए ना बात आप शॉर्ट रन जो शॉर्ट कन्जम्पन कहें इसके थ्रू ट्रेवल, ट्रेवल करके नीचे जाओगे ना कि लॉन्ग रन के थ्रू नीचे जाओगे लॉन्ग रन के थ्रू जाते तो आपकी कंजम्पशन तो इतनी रह जाती मगर शॉर्ट रन के थ्रू जाओगे तो आपकी कंजम्पशन पहले से लॉन्ग रन से तो ज्यादा है ना क्योंकि आपको कुछ चीज़ों की आदत पड़ गई है इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है सी एल इज द लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन एट ओ वाई वन अगर आपकी तनख्वाह ओ वाई वन है ये वाली ठीक है लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है इट इज़ सी वन वाई वन इतना कंजम्पशन लेवल है इफ़ देर इज अ रिसेशन इन द इकॉनमी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया विच रिजल्ट इन द फॉल इन द इनकम टू ओ वाई वन आपकी इनकम अब इतनी रह गई है देन अकॉर्डिंग टू द ड्यूसन बेरी द कंजम्पशन वुड नॉट फॉल टू सी ज़ीरो वाई जीरो कन्जम्पन इतनी ज़्यादा नहीं होगी समझ गए बात कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी बल्कि लॉन्ग रन के हिसाब से जो शो होता है उस हिसाब से नहीं गिरेगी कंजम्पशन शॉर्ट रन के हिसाब से गिरेगी मतलब ये सी टू y0 ज़ीरो तक ही गिरेगी समझ रहे हो ना आप बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ C2 ठीक है तो कंजम्पशन शॉर्ट रन के हिसाब से गिरेगी ठीक है पीपल नाउ विल सेव लेस एंड रिड्यूस देयर कंजम्पशन लेवल ओनली स्लाइटली टू C2 y0 कंजम्पशन जीरो गिरेगी मगर कम गिरेगी सिंपल वर्ड्स में नाउ ए पी सी एट ओ वाई जीरो इज ग्रेटर देन ए पी सी एट ओ वाई वन तो ओ वाई जीरो जो ए पी सी है ये कम होगा और ये जो ओ वाई सी टू है जो है ए पी सी ओ वाई जो है मतलब ओ वाई जीरो है इस पर ए पी सी ज़्यादा होगा क्योंकि जब आपकी इनकम गिरी आप अपनी तनख्वाह का ज़्यादा परसेंटेज खर्च करने लग गए समझ गए बात वैन द इकॉनमी रिकवर्स अगर इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी एंड द डिस्पोजेबल इनकम फिर बाद में कभी बढ़ जाएगी द इनकम वुड मूव शुरू शुरू में तो मूव करेगी यहाँ शॉर्ट रन कंजम्पशन पे, शॉर्ट रन कंजम्पशन पे अगर मान लो इनकम बढ़ गई फिर से तो इनकम के बढ़ने से ये शॉर्ट रन कंजम्पशन से मूव करेगी मगर अगर इससे भी बाहर इनकम बढ़ गई फिर लॉन्ग रन से जाना शुरू कर जाएगी आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट तो मैंने ये बताया बियॉन्ड दिस विद द इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन विल इंक्रीज़ अलॉन्ग विद द लॉन्ग रन ठीक है अब आ जाती है इसकी बुराइयाँ हर एक थ्योरी की कोई ना कोई बुराई तो होती है ठीक है इसकी बुराइयाँ क्या है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एज्यूमड अ प्रपोशनल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्प्शन बट इंक्रीज इन इनकम अलॉन्ग विद द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नॉट ऑलवेज लीड्स टू पर प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ इन कन्जम्पन बेसिकली ये कहती है कि इनकम और जो प्रोपोर्शनल uh, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी लॉन्ग रन के हिसाब से आप जाओगे इनकम और कंजम्पन का रिलेशनशिप जो है वो प्रोपोर्शनल होता है हमेशा ऐसा नहीं होता फुल इंप्लॉयमेंट के बाद ये सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है नेक्स्ट है रिलेटिव इनकम हाइपोथिसिस एज्यूम्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पन एंड इनकम टू बी डायरेक्ट ये कहता है कंजम्पन और इनकम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है बट रिसेशन डू नॉट ऑलवेज लीड्स टू डिक्लाइन इन कंजम्पन एज वॉज द केस ड्यूरिंग द रिसेशन जो रिसेशन आया था नाइनटीन फोर्टी एट फोर्टी नाइन में सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव में वो ये कहता था कि भाई कन्जम्पन और इनकम के बीच में वो जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है नेक्स्ट आ जाता है दिस थ्यूरी बिलीव दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ये कहता है कि भाई तख्खा बढ़ेगी तो सबकी सेम परसेंटेंट से बढ़ेगी ये क्या बात हुई ठीक है ना ये तो बड़ा मुश्किल सी बात है कि अगर तनख्वाह बढ़ेगी तो सबकी सेम परसेंट से बढ़ेगी क्या पता अमीर गरीब हो जाए और गरीब अमीर हो जाए ऐसा तो इसने बताया नहीं कुछ ठीक है रेलेटिव इनकम हाइपोथिस स्टेट्स दट कन्जम्पन स्टैंडर्ड्स आर ये कहता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लॉन्ग रन के हिसाब से जाओगे अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन लॉन्ग रन के हिसाब से कर रहे हो मगर अगर इनकम गिरेगी तो आप शॉर्ट रन के हिसाब से गिराओगे मतलब इनकम के गिरने से कंजम्पशन कम गिरती है मगर इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ती है तो ये कहते हैं कि इनकम दोबारा उतनी हो जाएगी मगर फिर इनकम दोबारा अगर 100 से 200 सौ होगी तो कंजम्पशन बढ़ रही है लॉन्ग रन के हिसाब से मगर अगर 200 से फिर से 100 आई तो जो कंजम्पशन होगी वो जो पहले 100 के लेवल पे कर रहे थे उससे ज़्यादा होगी ये बात कुछ हजम नहीं हुई आ, सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी कहती है कि जो आपकी इनकम और कंजम्पशन के लेवल्स हैं वो इरिवर्सिबल हैं एक बार आपको जो खाने की आदत पड़ गई आप वो छोड़ नहीं सकते मगर ऐसा नहीं होता पीपल डू नॉट गो ऑन डिस सेविंग इन द लॉन्ग रन आप शॉर्ट टर्म के लिए तो अपना खर्चा निकालने के लिए सेविंग्स का गला दबा सकते हो मगर हमेशा थोड़ी ना सेविंग्स करनी बंद कर दोगे ठीक है तो ये भी जो इन्होंने कहा था कि जो इर है कंजम्पशन वो हो सकती है रिवर्सिबल हो सकती है ठीक है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्शन दैट चेंजेस इन कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड टू हिज प्रीवियस पीक इनकम दिस थ्योरी इग्नोर्स द अदर फैक्टर्स इन्फ्लेंसिंग द कन्म्पन दैट इज एसेट होल्डिंग अर्बनाइजेशन एट्सेट्रा तो ये थ्योरी सिर्फ ये कहती है कि <coughs> हमारी जो कन्म्पन है वो हमारी प्रीवियस पीक या इनकम पर डिपेंड करती है जो हमारा कभी पीक इनकम रहा होगा उस पर डिपेंड करती है और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करती है लाइक एसेट होल्डिंग क्या है अर्बनाइजेशन क्या है इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है लास्ट पॉइंट आ जाता है रिलेटिव इनकम हाइपोथिस एज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स प्रेफ्रेंसिज आर इंडिपेंडेंट वेयर बाय कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू कंजम्पन पैटर्न ऑफ हैज रिच नेपर एक तरफ यह कहता है कि कंज्यूमर की जो प्रेफ्रेंस है वो इंडिपेंडेंट है वो अपनी मर्जी से खा रहा है जी दूसरी तरफ कह रहा है वो अपने पड़ोसियों की नकल कर रहा है ये तो बात कुछ हजम नहीं ना हुई तो ये भी इसकी बुराई है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस कंजम्पशन uh, थ्योरीज के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट थ्योरी मैं लेके आऊँगा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस या फिर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने चाहिए ठीक है अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर हैव अ नाइस टी